हेलो ट्वेल्थ क्लास, आज हम देखते हैं चैप्टर टू। ठीक है, चैप्टर टू के अंदर जो है आपके हैं मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शन और मैनेजरियल रोल एंड लेवल्स। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियोस के अंदर इसके स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है यानी जो इस चैप्टर का जो है मेन, वो है मैनेजमेंट फंक्शंस। क्या मतलब हुआ? प्रबंध के कार्य। अब देखिए, द व्हाट इज द मैनेजमेंट फंक्शन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द मैनेजमेंट फंक्शंस आर लाइक पी O, D and C. These are the main functions of the management. Okay, I have written here also that that's the called primary function and other one is secondary function. The primary function is P for planning, O for organizing, D for directing and C for controlling. These are the main function of the management. Always remember in your life. Okay, and the secondary functions are these, as you may see. Okay, then that is a decision making, staffing, innovation, communication and representation. Okay, so first of all we will talk about, yeah, we will discuss about the primary or main functions of the management. What is the primary or main function of the management? First is planning. देखिए, प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन जो है वो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन में फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। डैट इज ऑल्सो ए फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो भी प्रबंध होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्लानिंग यानी नियोजन से ही होती है। अब किसी भी लक्ष्य यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इफ़ यू वांट टू गेट आवर ऑब्जेक्ट या टारगेट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इमेजिन और आउटलाइंस, है ना, इमेजिन और आउटलाइंस वर्क टुगेदर। यानी हमारी जो कल्पना है और हमारी जो उसको करने के प्रति जो रूपरेखा है वो दोनों साथ साथ चलती है, तो उन दोनों को करने के लिए प्लानिंग आवश्यक है। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा जो टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आउटलाइंस बनाते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें वी हैव टू रीच एनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, हमें किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, तो अब उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन या हमारी जो आउटलाइंस होगी, जैसे कि कब पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचना है, ठीक है, किस स्थान का, किस सड़क मार्ग का चयन करते हुए हमें जाना है, ठीक है, और इसके लिए साथ में क्या क्या ले जाना है, कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो हमने सोची है, ये सारी क्या जो बातें हैं वो किसके अंदर आएगी? प्लानिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो जैसे हमारे को किसी स्थान पर पहुँचना है तो उसके लिए जो हमने प्री माइंड जो सेट किया था उन वहाँ तक वो काम करने के लिए, वैसे ही जो प्लानिंग है वो भी यही है कि जो हमें अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो हमारी जो प्लान, जो हम लोग अपनी आउटलाइंस बनाएंगे, हमारे जो टारगेट को अचीव करने के लिए जो इमेजिनेशन या सोच रखेंगे वो क्या कहलाती है? आपकी प्लानिंग। ठीक है, इस योजना के तहत जो हैं इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है? इसके फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, रूल्स, स्ट्रेटेजी, बजट और एक्सेट्रा। यानी इसमें क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आपके आते हैं उद्देश्य, है ना, इसके अंतर्गत आपके आते हैं उद्देश्य, नीतियाँ, मेथड, टेक्निक्स, रूल्स, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी, स्टैंडर्ड टाइम, बजट और एक्सेट्रा। आ गया समझ में? मतलब जो इसके अंदर क्या क्या होगा, आपका उद्देश्य भी आएगा, आपके पॉलिसी यानी रीतियां भी आएगी, आपके जो नियम है वो भी प्लानिंग के अंदर बनते हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो भी प्लानिंग में बनती है, आपका बजट होता है वो भी प्लानिंग में बनता है, आपकी जो प्रोग्राम्स है यानी गतिविधियाँ आप किस तरीके से करेंगे वो भी प्लानिंग के अंतर्गत ही बनते हैं। तो ये भी आप अपनी बुक्स के अंदर ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि दैट इज द फैक्टर्स ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी संगठन। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। यह प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण संगठन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप आवश्यक जो कार्य जो करने हैं या जो क्रियाएं संपन्न करनी है उसका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन और वर्गीकरण करना, उस कार्यों को करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण करना। यानी अब जो हमें काम करना है, व्हाट इज द वर्क वी हैव टू डन, वी हैव टू कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल द वी हैव टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन संगठन। और संगठन में क्या होता है? टू और मोर पर्सन,
ये जो है यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलकर जो समूह बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगठन। अब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो बनेगा, संगठन जो बनेगा, उसको हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम अपने काम को गति दे सकें, उस काम को आगे की ओर बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा कि हम लोगों को जो काम जो अब करना है, क्रियान्वयन जो करना है, उसके अंतर्गत कर्मचारियों के जो हम लोग हमारे जो टीम है उसके अंतर्गत हम लोग उनको कुछ अथॉरिटी देंगे, उनको कुछ लाइबिलिटी देंगे, है ना, उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, है ना, डायरेक्शन, ये तो नेक्स्ट में आ जाएगा, डिवाइडेशन, है ना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, व्यक्तियों का वो सारे काम किसमें होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ निर्देशन। अब निर्देशन में क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सों को किस प्रकार से अधिकतम सफलता के साथ में किया जाना है। व्हाट इज द मीनिंग दैट, कि मूविंग टू एक्शन एंड सप्लाइंग स्टिमुलेटिंग पावर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टिंग एज ए मैनेजरियल फंक्शन। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टिंग का, कि आपको पता होगा एक मूवी आई थी देवदास, जो आप लोगों को शायद लास्ट वाली ध्यान होगी, लेकिन ये जो देवदास मूवी है काफ़ी समय पहले से भी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि 1917 में शरद चट्टोपाध्याय द्वारा एक जो उपन्यास था देवदास, है ना, उसको अंतर्गत जो है 1927 से लेकर 2002 तक, ठीक है, कई बार ये देवदास मूवी बन चुकी है, 2009 में भी आई थिंक बनी थी एक। तो अब ये मूवी का हर व्यक्ति ने अलग अलग क्या किया, डायरेक्शन किया, निर्देशन किया, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है मेरा कहने का कि जो मूवी जो बनाई गई थी ना, इस मूवी के अंतर्गत जो है इतने सालों में इतनी बार इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है कि हर बार इसमें कुछ अलग हो तरीके से लोगों को परोसा यानी शो किया गया। जैसे उस समय वो ब्लैक एंड वाइट में थी, अब कलर में है, उस समय जो इसके हीरो हीरोइंस थे उनकी एक्टिंग अलग थी, अभी जो हीरो हीरोइंस थे उसकी एक्टिंग अलग है, उस समय उसके अंदर ज्वेलरी अलग थी, इस समय इसकी ज्वेलरी अलग थी, उस समय उसके अंदर डांस सॉन्ग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुए थे, और अब जो डांस और सॉन्ग है वो अब अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुए। कहने का मतलब ये है कि एक ही मूवी, कौन सी, देव दास, ये एक ही मूवी को कितनी प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग तरीके से डायरेक्ट किया गया है, यानी हर डायरेक्टर का एक अपना अलग नजरिया होता है अलग ढंग से रिक्रिएट करने का। आगे आपको समझ में मेरी बात, तो यहाँ पे जो डायरेक्टिंग है इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके द्वारा जो काम किया जाना है उसके अंदर उस काम को अलग ढंग से मोटिवेट किया जाता है, उस काम को अलग ढंग से आदेश और निर्देश देते हुए ऑर्डर्स के तहत में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसके जो मुख्य जो फैक्टर्स हैं किसके, इसके आपके डायरेक्टिंग के, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं जैसे डिसिप्लिन, है ना, इसके अलावा आपका आता है आदेश निर्देश, अधिकारों का भारापण और अभिप्रेरण, नेतृत्व, प्रेक्षण। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या आता है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे आगे आपका एक तो लीडरशिप, ठीक है, इसके अलावा आपका सुपरविजन, और इसके अलावा फिर आपका आता है आपका मोटिवेशन डिसिप्लिन, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन, ये तो खैर इसका सहायक में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बातें मैंने आपको ये जो बताई फैक्टर्स, यानी यदि ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके पार्ट फैक्टर्स हैं, डायरेक्टिंग के फैक्टर्स हैं, ठीक है। बट जो फोर्थ है वो क्या है, कंट्रोलिंग, इट मीन्स नियंत्रण। अब कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण में क्या होता है, कंट्रोल, देखिए आप लोगों ने तीन काम कर लिए, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, और आपका डायरेक्टिंग भी कर लिया, लेकिन यदि आपका इन सब पे कंट्रोल नहीं है, फर्स्ट टू फोर्थ की बात कर रहा हूँ, थर्ड तक की, यानी फर्स्ट टू थर्ड तक को यदि आपने कंट्रोल यानी नियंत्रण नहीं किया, तो ऑल आ वेल, सब कुछ बेकार है। आगे आपको समझ में, यानी कि आप जो वर्क कर रहे हो उस वर्क को करने के प्रति जो आपका ऑब्जेक्ट जो आपने डिसाइड किया था उसको करने के लिए यदि आपने कंट्रोलिंग नहीं की, ठीक है, अब कंट्रोलिंग का के अंतर्गत क्या आ सकता है,
कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपने उसको सही ढंग से सही टाइम से और सही तरीके से नहीं करा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। आगे आपको समझ में? तो जो कंट्रोलिंग है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कॉज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज द आर्ट ऑफ हार्मनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। ठीक है, आगे समझ में? अब इस जो कंट्रोल है इसके भी फोर फैक्टर्स बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्रमापों का मतलब सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, डेटामाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी पैमापों का निर्धारण करते हैं, फिर कार्यों का मूल्यांकन और परिणाम विवरण तैयार करते हैं, उसके बाद वास्तविक परिणामों का परिणामों से तुलनात्मक विचलन ज्ञात करना तथा विचलनों के आधार पर संशोधन या सुधारात्मक कार्य करना। आ गया समझ में? मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो कंट्रोलिंग के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट अचीव्ड, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल सेट एंड द सेट परफॉर्मेंस। मतलब कंट्रोल क्या करता है कि जो परिणाम थे यानी जो रिजल्ट है उन रिजल्ट के अंतर्गत वास्तविक जो परिणाम है और वास्तविक मतलब जो एक्चुअल है, वास्तविक मीन्स जो एक्चुअल आए थे और जो अपेक्षित थे, जो एज्यूम थे, है ना, इनके बीच में क्या अंतर रहा, वो अंतर किसके अंतर्गत आता है आपका आपका कंट्रोलिंग के अंतर्गत। यानी हम ये देखते हैं कि हमने क्या सोचा और क्या पाया, इसके बीच की जो खाई इसको जो बीच का जो अंतर है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा हमें, कंट्रोलिंग से। ठीक है, यानी जो हमें सोचा और उसको जो पाया उनके बीच को टारगेट जो था उसको पूरा करने के लिए आपको कंट्रोलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चारों पॉइंट अब तक समझ में आए होंगे। जो अब जो मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको ये सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तब तक आप घर पर अपनी जो चारों जो वीडियोस चारों जो टाइप्स हैं इनको आप पढ़ के रखेंगे और इनके जो फैक्टर्स हैं उनको आप अंडरलाइंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इसके जो फैक्टर्स हैं वो पूछे जाते हैं एक एक नंबर के अंदर। ठीक है, और एग्जाम में कई बार आपसे केवल पढ़ गया एक या दो इनमें से कोई भी एक पॉइंट है उसको चार या छः नंबर में भी पूछा जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।